पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ सात, क्या निराश हुआ जाए। कक्षा आठ के लिए पाठ सात है, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये पाठ लिखा है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित होती रहें, लेकिन इनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लेखक ने आजकल की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि वो कहते हैं कि जब भी वो समाचार पत्रों को देखते हैं, तो उन्हें चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार छपे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार प्रतीत ही नहीं होता। लेखक जीवन की महान मूल्यों के प्रति आस्था कम होने को बताते हैं। वो कहते हैं कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता व बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन की महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। लेखक का मत है कि भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया। भौतिक चीज़ें वो होती हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि ऐशो आराम की चीज़ें, जैसे बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बहुत सारी संपत्ति, ये सब चीज़ें भौतिक चीज़ों में आती हैं। तो लेखक का मत है कि भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया है। मनुष्य के अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है, भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलना उचित नहीं माना गया है, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाए, तो इनका प्रयोग किया ही जाता है, जैसे बीमार है तो दवा आवश्यक होती है। लेखक सोचता है कि देश के करोड़ों दरिद्र जनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो साधे जाते हैं, परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, वे तो वंचित रह जाते हैं, दूसरे स्वार्थी लोग उनका फायदा उठाते हैं। भारत की विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उन तत्वों की अहमियत भी कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन व मान संग्रह करते हैं। लेखक का मंतव्य है कि लोग किसी भी बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं, अर्थात मज़ा लेते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बहुत बुरी बात है, और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे, तो औरों के मन में ऐसी भावनाएं जागृत होंगी। इसके आगे लेखक के जीवन में हुई दो घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली घटना है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वह टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला,
ये रुपए लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ना आपने देखा और ना मैंने ध्यान दिया। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। दूसरी घटना लेखक के जीवन में हुई। एक बार लेखक अपने परिवार सहित रात में बस यात्रा कर रहा था। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहां से 10 मील तक कहीं गांव व आबादी नहीं थी। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर तेजी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर कंडक्टर डाकुओं लुटेरों से मिला हुआ है। सभी लोग डर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आया, साथ में एक लोटा दूध भी लेखक के बच्चों के लिए लेकर आया, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को भूख के कारण रोते देखा था। यह देख उसकी जान में जान आ गई। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने बताया है कि चाहे घटनाएं कम ही होती हों, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी हैं। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती हैं। लेखक का मानना है कि कई बार जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहा है, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आशावान बनना चाहते हैं तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब मत रखो जिनमें धोखा खाया है, इससे जीवन कष्टकर हो जाएगा। बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी किसी भी रूप में सहायता की है, तो निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। रविंद्रनाथ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो भी प्रभु मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहे, अर्थात दुखों में भी उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इनमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। इस हेतु बढ़ना है आत्मविश्वास व निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करने से अवश्य निराशा के बादल छट जाएंगे। पाठ का अभिप्राय पूरा जो हमने पाठ पढ़ा है अभी, उस पूरे पाठ का अभिप्राय यह है, लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि शाश्वत मूल्य, ऐसे मूल्य जो समाज में सदैव अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, जैसे सच, ईमानदारी, दया, करुणा, परोपकार व सहयोग के भाव, समाज में कितने भी बदलाव आएं या कितनी भी नकारात्मक घटनाएं क्यों न घटें, लेकिन ये भाव अपना स्वरूप कभी नहीं बदलेंगे। नैतिकता के मूल्य इन्हीं भावों पर आधारित होते हैं। यदि समाज में ऐसे भाव न हो तो लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा। इन्हीं का प्रभाव है कि आज भी हमारे समाज में वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल गृह, नारी निकेतन आदि निस्वार्थ भावना से चलाए जाते हैं। सुख दुख में भी जातीय भावनाओं को भूलकर लोग एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं। इन मूल्यों के बिना न कभी समाज का आधार था और न ही रहेगा। ये सारी बातें लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।